There are 9 boxes, 9 boxes हैं, B, C, D, E, F, G, H, J और K. They are placed above another. एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो. राइट, फिर क्या लिखा है, 4 boxes are placed between E और C. अब 4 box है E और C के बीच में, इसको हमने यहाँ लिख लिया. And one of at the bottom or at the top. इसमें से कोई भी एक टॉप पर होगा या फिर क्या होगा, एक बॉटम पर होगा. ठीक है, कोई भी एक क्या होगा या फिर एंड पर है, कोई भी एक इसमें से क्या है, एंड पर है. मतलब या तो ये एंड पर होगा या फिर ये वाला एंड पर होगा. ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन सी और एफ विच इज प्लेस बिलो सी. अब सी के नीचे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एक बॉक्स नीचे एफ आ रहा है. थ्री बॉक्सेज प्लेस बिटवीन जी और एच, जी और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं, थ्री बॉक्सेस हैं. बॉक्स एच इज प्लेस नाइदर जस्ट अबव नॉर जस्ट बिलो सी. मतलब एच जो है वो सी के आसपास नहीं आता, ना तो ऊपर ना नीचे, कहीं पर भी नहीं आ रहा है. ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एच एंड के, एच और के में केवल एक बॉक्स आ रहा है. ठीक है, नॉट मोर देन टू बॉक्सेस बिलो के, के के नीचे मतलब दो से ज्यादा बॉक्सेस यहाँ पर नहीं है. इसके नीचे दो से ज्यादा बॉक्स नहीं है, दो से कम ही बॉक्स आने हैं. दो आ सकते हैं, एक आ सकता है, फिर कोई भी नहीं आ सकता है, इस तरह से कुछ होगा. अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड बी विच इज प्लेस अबव जे. बोल रहे हैं डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में एक बॉक्स है, और जो बी है वो कहाँ है, वो जे के ऊपर रखा गया है. ई एंड के आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, और जो ई है और जो के है वो एक साथ नहीं रखे गए हैं. इस तरह से यहाँ पर हमको ये दे रखा है. ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर ये नोटिस करो कि जब यहाँ पर उन्होंने हमको बोला कि सी के नीचे एफ आना है, ठीक है, सी के नीचे एफ आना है, तो सी जो है बॉटम पर तो पॉसिबल नहीं है रख पाना, सी बॉटम पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी के नीचे एफ आना है, तो ये बॉटम पर नहीं है पॉसिबल कि हम उसको यहाँ पर रख पाए. यहाँ पर हमको क्या बोला गया कि ई और सी जो है दो बॉक्सेस हैं, एंड वन ऑफ देम आर प्लेस्ड आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम. इनमें से कोई एक बॉटम पर है, कोई एक या फिर कोई एक यहाँ पर टॉप पर होगा. ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ई यहाँ पर है, अभी ऊपर है, तो एक दो तीन चार बॉक्स यहाँ पर क्या गया, सी आ गया. टोटल कितने बॉक्स है, 9 बॉक्सेस है. तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस तरह से कुछ होगा. और एफ कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, हमने अभी ये मान के चला है. अच्छा ठीक है, अब सी अभी ये मान के चला हमने. अच्छा एक केस ये हो सकता है कि सी यहाँ पर हो, एक दो तीन चार बॉक्स पे ई हो, और यहाँ पे उसके बाद क्या हो, एफ हो, और इसके बाद यहाँ पर तीन बॉक्सेस और ब्लैंक हो. ये है दो केस यहाँ पर, ऐसे ऐसे अभी मान के चल रहे हैं कि ये दोनों ऊपर टॉप पर ही हैं. अच्छा उसके अलावा हमने ये रख दिया. अब क्या बोल रहे हैं कि एच और सी जो है वो साथ में नहीं होने, एच और सी कहीं पर भी साथ में नहीं आएंगे. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला उन्होंने हमको, उन्होंने बोला कि एच और जी में 3 का गैप आना चाहिए. ठीक है, अच्छा और क्या बोलना चाह रहे हैं हमको, और हमें ये बोल रहे हैं कि अच्छा देखो यहाँ से हम रख सकते हैं कुछ चीज़ें. यहाँ पर बोल रहे हैं ई और के साथ में नहीं आने हैं, और जो के है वो उसके लिए दो से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं होने हैं. मतलब दो हो सकते हैं, तो देखो ई और के यहाँ पर पॉसिबल नहीं है के रख पाना, इसका मतलब के यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर दो जगह पर के हो सकता है. अच्छा जब मैं के को यहाँ पर रख रही हूँ, तो ऊपर यहाँ पर एच पॉसिबल, क्योंकि एक छोड़ के हमें एच रखना, जबकि एक यहाँ पर रखेंगे तो ई आएगा. इसका मतलब यहाँ पर एच, यहाँ पर तो के आएगा नहीं, इसका मतलब ये कि के यहाँ पर आएगा और एक के गैप पे एच यहाँ आ जाएगा. ठीक है, एच के आ गया, एच के 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप पे जी आना, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है रख पाना. इसका मतलब पता लग गया हमको कि ये वाला तो यहाँ पर रॉन्ग है, ये वाला तो यहाँ पर नहीं चलेगा. ठीक है, अब केस इसमें चेक कर लो, फिर हम दूसरा केस चेक कर लेंगे. अच्छा यहाँ पर हमने देखा, तो अगर हम के को यहाँ रखते हैं तो एक गैप पर एच यहाँ आ जाएगा, और एच यहाँ रखते हैं, अगर हमने के को जैसे सपोज यहाँ रखा, के को यहाँ रखा, एक गैप पर यहाँ पर एच आ गया, फिर एक दो तीन गैप पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर जी रख सकते हैं. राइट, अगर हम के को यहाँ रखते हैं तो उसके बाद एच नीचे भी आ सकता है, ठीक है, और ऊपर भी आ सकता है, और फिर 1 2 3 गैप पर, लेकिन जी ऊपर नहीं आ पाएगा. इसका मतलब यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, या तो एच नीचे होगा या फिर क्या होगा, एच ऊपर हो सकता है ना. तो पहले हम एक केस चेक कर लेंगे. यहाँ पर हमने मान के चला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने के रखा, के गैप पे एच रखा, 1 2 3 गैप पे यहाँ पर जी रख दिया, ऊपर तो पॉसिबल नहीं था, तो इसका मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एच और सी साथ में नहीं आ रहे. हाँ ठीक बात है. अच्छा अगर हम यहाँ पर के को रखते तो हमारा एच जी साथ में आते, जो कि पॉसिबल नहीं था. इसका मतलब इसमें यहीं पर आना था, के भी हमने सेट कर दिया, ई और के भी साथ में नहीं आ रहे. ठीक है, अच्छा बी और डी 1 गैप पर रखने हैं, और जो बी है वो जे के ऊपर होना है, तो बी और डी यहाँ पर आ सकते हैं, बी यहाँ पर, डी यहाँ पर, एक गैप पर, और जे के ऊपर डी. बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, कंप्लीट आंसर क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्या बोल रहे हैं, टॉप पर कौन सा है भाई, टॉप पर देख लो, टॉप पर कौन सा, ई है, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे. राइट, फिर क्या पूछ रहे हैं, जी की पोजिशन क्या है बॉटम से,
जी यहाँ पर काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ पर है, फिफ्थ से है, फिफ्थ मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं जे के ऊपर कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, जे के ऊपर काउंट कर लो, दो ही बॉक्सेस रखे गए हैं जे के ऊपर, डेट इज 2 मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, राइट। फिर क्या पूछ रहे हैं, डी के जस्ट बिलो कौन सा बॉक्स है, डी के जस्ट बिलो, राइट, डी ए है, जस्ट बिलो कौन सा है, जी है, राइट, तो जी यहाँ पर हमने टिक कर दिया, ऑप्शन सी इज राइट है, जी।